अपनी अजीम रियाया हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद करिंदों की वजह से एक बैरहम के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा, तो जुल्म का इकबाल करते हुए हम इंसाफ पसंदगी और हक का रास्ता इख्तियार करते हैं। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बिखरी हुई हमारी सल्तनत की तवारीख में आज का लम्हा हमें इसका जिंदा रहेगा। इसी लम्हे को हम बाबा अमान का राज की तारीख में चंद अल्फाज इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं। हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में सभी के साथ एक सा सलूक किया जाए। खुशिया हो, सादनामी हो, हर शख्स को बराबर का हक और इंसाफ एक समान हासिल हो। हमारी रिया का अमन हाल ही नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी रियाया के अंदर हर कोई जिंदा दिल और खुशहाली से भरपूर हो। हमने हमारी रियाया के लिए एक नया कदम उठाने का फैसला किया है। हमारी तजवीज है कि हम हमारा दारूल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाएं। आप लोगों को हमारी तजवीज सुनकर हैरत तो हुई होगी, लेकिन यह किसी मगरूर सुल्तान का बेमानी जज्बा नहीं है, ठोस हकीकत है। हमारी दिल्ली हमारी सल्तनत के उत्तरी सरहद के नजदीक आबाद है। वहां पर हर वक्त मुगल हमलों का खतरा दरपेश रहता है, और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि दूर दक्षिण तक हमारी सल्तनत फैली हुई है, और ये दौलताबाद हमारे 12 सूबों के मरकज में मौजूद है। वहां से ही हम हमारे सूबों के कोने कोने तक मजबूत पकड़ रख सकते हैं, और इससे भी ज्यादा दौलताबाद में हिंदुओं की आबादी आबाद है। हम हमारा दारुल खिलाफा वहां ले जाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच मजबूत दोस्ती कायम करना चाहते हैं, मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए हम आप सभी को खाशवान को दौलताबाद आने की दावत देते हैं, दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं। जिस किसी को हमारे ख्वाबों की सदाकत का यकीन है वही आए। हम उनकी मदद से एक ऐसी मिसाली हुकूमत को जन्म देंगे जिससे दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। हमारे ख्वाबों को तामीर करने वालों, खुदा हाफिज़।